my way. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हो रही है रात। अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, जिस होटल पे बैठा हूँ, जो लोकेशन है वो है ये मोरो। और अभी हो रहे हैं रात के 4:25 और अभी हम लोग यहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। जैसा कि हमें सक्कर जाना है, जैसा अभी चाय पियेंगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और ब्लॉग एंड तक देख कर जाइएगा। Hey guys, what's up? It's your boy Osama Khan back again with a brand new vlog. से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं जो दरिया जा रहा है, तो हाँ मैं अभी सक्कर बैराज पे खड़ा हूँ। मैं सक्कर में इंटर हो गया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये व्लॉग एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अभी हम लोग और जगह जाएंगे, जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये व्लॉग एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है सक्कर सिटी का। हम लोग सक्कर सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं और अभी अभी सुबह हुई है, सूरज भी अभी ऊपर आया है। तो बाकी देखते हैं आज का दिन किस तरीके से गुजरता है। बाकी सर्दी तो यहाँ बहुत हो रही है और बाकी का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी ये सक्कर वाले रोड पर खड़ा हूँ और अभी हम लोगों को जाना है मेरे दोस्त के गाँव जो कि है शिकारपुर। तो ये रोड वहीं जा रहा है शिकारपुर की तरफ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज के व्लॉग में एक्सप्लोर करूं जगह में जाके, ठीक है, व्लॉग में वहीं कंटिन्यू करूंगा मैं। तो मेरे साथ चलें आप। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं गांव के अंदर आ गया हूं। इस गांव का नाम है लक्की गाँव। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये गाँव की जिंदगी है। आप देख सकते हैं कैसे ईंटों के कच्चे मकान हैं और इधर भैंसे हैं और बाकी इधर लोग घूम रहे, कच्चे मकान बने हैं। यही होती है एक गांव की ज़िंदगी और बाकी और कुछ है नहीं दिखाने को, यही है बस कच्चे मकान और ये भैंसे। बाकी आप खुद देख सकते हैं और बाकी जो होगा आज हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी तो मैं गाँव के अंदर आ चुका हूँ और बाकी फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है और मैं क्या दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो बस मेरे साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं भी आया हूँ दोस्त की मार्बल की फैक्ट्री में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं फैक्ट्री है और जैसा कि आप लोग इस तरफ देख सकते हैं कि पीछे पूरी जमीन है जो फिलहाल अभी बंजर है। इस ज़मीन पर भी खेती नहीं हो रही और मेरे पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा सा तालाब है, ऐसे दरिया टाइप तालाब बनाया हुआ है। और बाकी यह है कि अभी हम लोग फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और फैक्ट्री में दिखाएंगे किस तरीके से काम होता है। मार्बल की फैक्ट्री है तो आ जाए मेरे साथ अंदर का। विजिट करूंगा तो इनके ओनर से पूछते हैं कि मार्बल की क्या प्राइस है और कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या ले भाई? सर आप मुझे ये बताएंगे जो आपके मार्बल का काम जैसे स्टार्ट कराएंगे तो उसको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन मेरे वाले साहब का काम था उसको तकरीबन 20 से 22 साल, 15 साल 16 साल से मैं संभाल रहा हूँ। तो आज अलहमदिल्ला सारी हर किस्म की गारंटी वगैरह होती है। ये पीटा वाइट है, ये केटीके का स्टोन है, ये सब पिंक है, केटीके का पत्थर है, ये सनी वाइट मीडियम टीके का पत्थर है, ये एजरोना स्टोन और पाकिस्तान का पत्थर है, स्टोन है ग्यारह ग्रे केटीके का स्टोन है, सनी ग्रे में केटीके का पत्थर है, ये जेट ब्लैक कहलवाता है। और ये है केमोर वाइट, ये भी जो है केटीके का स्टोन है, ये भी केटीके का रेड एंड वाइट स्टोन है, ये भी केटीके के स्टोन, ये भी ग्यारह ग्रे में है।
सिंध कमरे, ये ओरिजिनल ज्यारत में है, ग्यारह सेल कहलवाता है पत्थर, ये भी कैपी के हैं। नीचे जो देख रहे हैं सारे सर्वेरा है, फैंसी है, चिप्पी है, ये जो स्टोन है ये सारे जो है ना ये बलोचिस्तान के पत्थर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है ये फ्लोरिंग वगैरह के बॉर्डर वगैरह के हैं, इसमें किचन टॉप भी मिल जाएंगे। उसके सीढ़ी के स्टेप देखने हैं, ये ब्लैक ग्रेनाइट कहलवाता है, ये ट्रॉपिकल ग्रे, ये चेरी ब्राउन, चेरी जिब्राना ग्रे, ये भी हमारे पाकिस्तान का ग्रेनाइट है। अलहमदुल्ला हमारे पाकिस्तान में ऐसी मादनियात वगैरह हैं जो स्टोन की किसी किस्म की कमी नहीं है। जी जी मानेंगे जो महंगा अच्छे से अच्छा मजबूत से मजबूत हमारे पाकिस्तान में, बिल्कुल इसके अलावा और कहीं जगह पर मैं समझ रहा हूँ नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये शार्ट ऑफ पेंट, ये भी पाकिस्तानी है, ये हमारा केपी देगा है। वो है सिल्वर पर्ल, ये वाला ये देख रहे हैं, ये भी है, ये हमारा पाकिस्तानी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास वसी आदाद में मार्बल की कलेक्शन अवेलेबल है। अब जैसे आपका ये काम है, बिजनेस है ये मार्बल का, अब लोगों को आपसे कांटेक्ट करना हो तो सबसे पहले आप उनको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर है 0333-728-9929, 0304-2929-439, ये दोनों मेरे पास का कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरी फैक्ट्री है यहाँ पर अलहमदुल्ला शिकारपुर में, सिंध, शिकारपुर सिंध में, नेहरान मार्बल फैक्ट्री शिकारपुर सिंध। फेसबुक पेज है नेहरान मार्बल फैक्ट्री शिकारपुर सिंध। ये तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दिया, अपनी लोकेशन बता दी कि इनकी कहाँ फैक्ट्री, और फेसबुक का पेज भी शेयर कर दिया। तो जिनको इनसे कॉन्टेक्ट करना हो तो वो यहाँ विजिट भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। नहीं कोई बात। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं आया हुआ हूँ विलेज में अपने फ्रेंड के, और मैंने आपको मार्बल की फैक्ट्री भी दिखा दी, और मैंने अपने दोस्त को अभी तक व्लॉग के अंदर नहीं लाया है। आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे, उसके अंदर मेरा दोस्त आया है और मेरा ये स्कूल फ्रेंड है। मैं आपको फिर दोबारा मिलवा देता हूँ इससे। शहरयार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? आई होप सो सब लोग बेहतर होंगे। आप ये सोच रहे होंगे इतनी देर से जो वीडियोस बना रहा है वो कौन है? वो मैं ही हूँ, वो शहरयार ही है। बस यहाँ पर तफरी चल रही है, थोड़ी बहुत थकन भी हो गई है, देखें आगे क्या क्या होता है। बहुत थक गए, सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा था, नॉट बोरिंग बट थका देने वाला बहुत था। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं, अभी तो ये मार्बल की फैक्ट्री मैंने दिखा दी, अब देखें शायद हम लोग अभी कहीं और शिकारपुर शहर में घूमें, और अगर हम घूमेंगे तो हम ज़रूर ये ब्लॉग बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे जगह। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इन्जॉय करें।